खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोटकी से ब्यूरो चीफ सईद समर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस लैंड कोटकी में इन्वेस्टिगेशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोटकी जनाब फहीम अहमद खान साहब की जेर सदारत, जिसमें DIG सखर जनाब तारक अब्बास कुरैशी, सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद सलीम अवान और SSP कोटकी जनाब अजहर खान ने शिरकत की और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से डायरेक्टर जनरल सिंध जुडिशल अकेडमी कराची जनाब शाहिद शफी सदीकी और डायरेक्टर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंध हाई कोर्ट जनाब सलमत महर के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। पुलिस लैंड पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने जनाब सेशन जज साहब को सलामी पेश की। इजलास का बकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। SSP कोर्ट के जनाब अजहर खान साहेब और DSP लीगल अताब मोहम्मद सोमरो साहेब ने सेशन जज साहेब को केसेस के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेमिनार में DSP लीगल अताब मोहम्मद सोमरो साहेब और जिला के तमाम इन्वेस्टिगेशन अफसरान और हेड मुहर्रर स्टाफ ने शिरकत की। थानों पर FIR दर्ज करते वक्त जुर्म के मुताबिक दफा लगाए जाएँ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दौरान तफ्तीश जदीद टेक्नोलॉजी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करें, जिसमें फिंगरप्रिंट, CCTV कैमरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियो फॉरेंसिक समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजमी करें। नए कानून के तहत जना के तमाम मुकदमात की तफ्तीश मुतलका DSP करेगा। तर्जमान कोटकी पुलिस के मुताबिक सेमिनार के आखिर में DIG साहिब सखर ने मेहमान खसूसी सेशन जज कोटकी जनाब फहीम अहमद खान साहिब व दीगर मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक और टोपी के तहत पेश किए।